दुनिया के कई देशों में मौसम की मार से हाहाकार मचा है। अमेरिका के कई राज्यों में भीषण बर्फबारी ने शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। कहीं बिजली गुल है तो कहीं लोगों की जिंदगी पर बनाई है। मौसम की सर्द मार से कराह रहा है अमेरिका। घातक बर्फीले तूफान ने अमेरिका के शहरों को अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं कारों में लोग फंस गए तो कहीं बर्फबारी से बिजली गुल हो गई। एक जानकारी के मुताबिक इस भीषण बर्फबारी में अमेरिका में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट के बफेलो शहर का हाल है। कुदरत के कहर ने क्रिसमस पर मौत की तबाही मचा दी। ऐसा घातक बर्फीला तूफान आया कि लोग बेमौत मारे गए। तूफान ने संभलने का मौका तक नहीं दिया और कई लोग कारों में फंस गए और वहीं दम तोड़ दिया, जबकि कुछ बर्फ के किनारे पाए गए। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक बफेलो के 16% लोगों के घरों की बिजली गुल थी। इस बीच प्रति घंटे 2 से 3 इंच की रफ्तार से बर्फबारी हो रही थी। पूरे अमेरिका की बात करें तो मरने वालों का आंकड़ा 30 से ज्यादा तक पहुंच सकता है। अधिकांश लोगों की मौत पश्चिमी न्यूयॉर्क में एरी झील के किनारे बफेलो में और उसके आसपास हुई। कई कार सवारों को नेशनल गार्ड्स के सैनिकों ने बचाया। करीब 200 नेशनल गार्ड्स के सैनिकों को पश्चिमी न्यूयॉर्क में मदद के लिए बुलाया गया। दो दिनों तक सफेद कहर का शिकार हुआ पश्चिमी न्यूयॉर्क भयंकर तबाही झेल रहा है। एक तरफ घातक बर्फीला तूफान था तो दूसरी तरफ बिजली गुल हो गई और उड़ानों को रद्द करना पड़ा। बफेलो शहर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से एक मकान के बाहर रखा फर्नीचर पूरी तरह से बर्फ से ढका दिखा। यहाँ लगा पंखा, कुर्सियां और टेबल सब कुदरत की सफेद चादर में लिपटे नजर आए। बर्फ की मोटी परत देख ऐसा लगा जैसे इस सारे सामान को किसी ने पैक कर दिया हो। इस इलाके में दूर दूर तक ऐसा ही नजारा देखने को मिला। चारों तरफ कई फीट बर्फ की मोटी परत नजर आई। कुल मिलाकर खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका कुदरत की मार से तड़प उठा है। इस बार अमेरिका की लड़ाई मौसम से है। आज तक ब्यूरो।